वेक्टर ए बराबर टू आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, वेक्टर बी बराबर माइनस सेवन आई प्लस सिक्स जे प्लस एट के। अब दो चीज फाइंड करने के लिए देखिए, यहाँ पर तो है सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये चीज फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम दो कंडीशन बना लेते हैं, पहला कंडीशन ये फाइंड करना है, दूसरा कंडीशन इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो अब आपको करना क्या है, जैसे ए वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी है ना, जैसे वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी लिख दिए। अब क्या करो कि आई यहाँ पर जे और यहाँ पर के लिख दिए। अब लिखिए टू ये क्या हो गया माइनस थ्री, ये क्या हो गया माइनस फाइव, ये क्या हो गया माइनस सेवन, ये क्या हो गया सिक्स, ये क्या हो गया एट। अब देखो इनका अब जो है कि सारणिक मान जिस प्रकार से निकालते हैं ना, उसी प्रकार से प्रसरण करेंगे, तो किसी का नोटिस चल सकता है प्रसरण करने के लिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप क्या करो आर वन के अनुदिश प्रसरण करो, क्योंकि आई जे क्या आना चाहिए ना। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही होता है। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। अब देखो आई ले लिए अब देखो आर वन के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो ये आई जैसे लेते हैं ये कट गया, उसके बाद ये कट गया, तो क्या बचा आठ तिया माइनस चौबीस, चौपंच तीस। आप देखो यहाँ पर माइनस ना होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस, और छपंच तीस यानी माइनस तीस हो गया, छ गुना माइनस पांच माइनस तीस, इस माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस तीस, ये माइनस क्या हो गया जी, ये खत्म आठ दुने क्या हो गया सोलह, सात पांच क्या हो गया पैंतीस, ये खत्म छह दुने क्या हो गया बारह, सत्या क्या हो गया इक्कीस। देखो आई अब मान निकाल करके एकदम यहाँ पर रखते जाओ, तीस में से चौबीस गया क्या हुआ छो आई, अब देखो सोलह में से पैंतीस जाएगा क्या होगा माइनस उन्नीस, क्या होगा माइनस उन्नीस, इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस उन्नीस, उन्नीस ये हो गया। अब देखो बारह में से इक्कीस गया कितना बचेगा, बारह में से इक्कीस बचेगा माइनस माइनस नौ, कितना होगा माइनस नौ, माइनस नौ के क्या, अब देखो ये पहला दूसरा ये जो के डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो करना आपको क्या है, ये सबसे इजी होता है, समझ गया ना, ये इजी ही होता है। तो सात दो ने क्या हो गया माइनस चौदह, सात दो ने क्या हो गया माइनस चौदह, सतरी के क्या हो गया माइनस अठारह, उसके बाद देखो ये माइनस पांच और माइनस आठ को गुना करो कितना होगा चालीस हो गया ना। अब सबको क्या करेगा, जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा देगा, सबको जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा देगा, तो लगाओ आपको हो गया कि चौदह अठारह क्या हो गया माइनस बत्तीस, माइनस चालीस कितना हो गया माइनस बहत्तर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट काफी, देखो इक्कीस नंबर में सवाल है वेक्टर ए टू बराबर है टू थ्री माइनस फाइव एंड वेक्टर बी बराबर है टू टू टू, कह रहा है कि टू डेट, इसमें आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर क्या है लंबवत है,
देखो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, टू आई थ्री जे माइनस फाइव ए कैप। वेक्टर बी बराबर क्या होगा, टू आई टू जे कैप माइनस टू के कैप। हो गया ना, देखो दो वेक्टर परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। दो वेक्टर परस्पर लंबवत होगा जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। यानी ए और बी लंबवत होंगे यदि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इनका गुणनफल क्या हो जाए, जीरो जीरो। तो देखो इसमें जैसे ए और बी को गुना कर रहे हैं ना, तो गुना होता है क्या, जैसे दो गुना दो क्या हो गया, चार हो गया। आई डॉट जो आई होता है, आई डॉट आई उसका मान एक हो जाता है, इसलिए वो हम नहीं लिखते। अब देखो तीन दोनों क्या हो गया, प्लस छो या माइनस छो, तो प्लस छो हम लिखेंगे। अब देखो माइनस पांच गुना दो कितना हो गया, माइनस दस, कितना हो गया, माइनस दस। दस माइनस दस क्या हो गया, जीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। तो नियम है जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, एक दूसरे पर लंब होता है, इसीलिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। प्रूफ। तो देखो एबीसी है यानी थ्री डी, थ्री डायमेंशनल। हाँ। ऐसे हम फिगर बना लिए, बना लेते हैं, बना लिए ना। अच्छा मान के चलो कि ये ऐसे है ना, कोई बिंदु इधर हो, क्या हो, यहाँ पर इन रखा रहेगा, तो सब तरफ से हम खींचते हैं। तो मान के चलो कि ये ऐसे कोई बिंदु है, इसमें ऐसे ही लेगा, नहीं लेगा जी। ये बिंदु आपको क्या हो गया, एबीसी। ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु, जीरो जीरो जीरो। इनको हम मान लेते हैं ये, तो ओए की दूरी निकालना है, ओए की दूरी, तो मूल बिंदु से एबीसी की दूरी आप देखिए, ये जीरो जीरो ये क्या है, निर्देशांक है एक्स वाई जेड के मान। ये भी आपको क्या हो गया, एक्स वाई जेड के मान, जिसको मानेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। ये भी सी निर्देशांक हो गया, ये क्या हो गया, बिंदु हो गया। तो ओ ए की दूरी क्या होगा, देखो ये माइनस जीरो का क्या होगा, होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला। यस सर। एक्स टू माइनस एक्स वन का होता है होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बी माइनस क्या होगा, जीरो का होल स्क्वायर, और सी माइनस क्या होगा, जीरो का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर। यही आंसर हो गया, यही दूरी होगा जी। इसी में एक सवाल है, कड़ा है कि उस तल का समीकरण दिया कीजिए जो बिंदु एक दो तीन से गुजरता है, यानी बिंदु आपको जो है एक दो तीन से गुजरता है। कोई तल है बिंदु एक दो तीन से गुजरता है, कड़ा इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, और तल वह जो तल है आपको और तल थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव जेड बराबर जीरो की क्या है, समानांतर है, समझ गया ना जी। ये क्या है, समानांतर है। तो देखो मतलब दो गो तल है, दो गो तल है, वह तल पहला तल जो है एक दो तीन बिंदु से गुजरता है, समझ गया ना। ये जो दूसरा तल है उस तल के उसका समीकरण ये है, और इस बिंदु से जो तल गुजरती है उसके क्या है, समांतर है। अब इसका समीकरण को ज्ञात करने के लिए क्या करें, ज्ञात करने के लिए अब देखिए समीकरण होता है क्या, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए वाई माइनस वाई वन बटे क्या होता है, बी। जेड माइनस जेड वन बटे क्या होता है, सी। तो जहाँ देखो यहाँ पर आपको एबीसी क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो जी। एबीसी क्या हो गया,
डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो ये आपका एक्स वन हो गया, ये आपका वाई वन, ये क्या हो गया आपका जेड वन हो गया, और ये मान जो है आपका ए हो गया, ये क्या हो गया आपका मान बी, और ये मान आपका क्या हो गया यानी माइनस सही लेगा, ये आपका मान सी हो गया। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन निकल गया एक्स एक्स वन का मान क्या है एक, ए का मान क्या है तीन है, उसके बाद देखो y माइनस क्या है y1 का मान 2 है, उसके बाद b का मान देखो क्या है 4 है, उसके बाद क्या है z माइनस z1 का मान क्या है 3, उसके बाद देखो c का मान क्या है -5। यही क्या होती है बोलो, पासे पर अंकित संख्या एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह हो गया ना जी, और दो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 36 हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सभी को गुना उना नहीं करना है, कड़ा है कि आपको जो है दूसरे पासे पर हमेशा चार आता है, दूसरे पासे पर हमेशा चार आता है। प्राप्त कुल परिणामों छत्तीस होगा ना, आप क्या करोगे बोलो कुल परिणाम निकालने के लिए, जैसे एक दो तीन चार पांच छह ले लिया, यहाँ पर भी क्या करेगा एक दो तीन चार पांच छह, इसका कार्तीय गुणन निकालेगा, बोलो क्या सब होगा, वन वन हो गया, वन टू, वन थ्री, वन फोर, उसके बाद क्या होगा वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स होगा ना। उसी प्रकार से मान के चलो क्या होगा टू फोर यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, फिर क्या आएगा थ्री फोर आएगा, क्या आएगा फोर फोर, फोर और फोर आएगा फाइव, सिक्स फोर आएगा, उसके बाद क्या आएगा सिक्स फोर, क्या होगा बोलो, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी कुल संख्या, समझ गया ना, उसकी कुल संख्या, तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या सब आएगा यानी दूसरे पासे पर चार प्राप्त होना जी, दूसरे पासे पर चार चार, तो देखो एक चार हो गया, एक घटना हो गया, दूसरी घटना क्या हो गया दो चार, दो फोर थ्री फोर, उसके बाद क्या होगा थ्री फोर, फोर फोर, उसके बाद फाइव फोर, सिक्स फोर, सिक्स फोर हो गया ना, तो कुल घटना क्या हुआ है बोलो तो छह, घटना की संख्या क्या हो गया छह हो गया। इसमें कौन पेयर एकदम ऐसा है समझ गया, जिनके अंकों का योग आठ है, इसको हम करते हैं एक प्लस चार पांच हुआ ना, ये सिर्फ एक होगा नहीं होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बोलो, आठ प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या वन वन हो गया, घटना आपका क्या हो गया ये चार चार पे हो गया, घटना आपका क्या हो गया चार। अब देखो इसका प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखो क्या होता है
ई बराबर एन ई बटे एन एस, एन ई बटे क्या होता है एन एस, तो एन ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल में हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों का योग क्या होना चाहिए, आठ होनी चाहिए। तो क्या वो पेयर है, एक वो पेयर है। उसके बाद देखो इसमें एन एस सो, ये आपका एन एस हो गया, समझ गया ना। इसका अर्थ हो गया कि सैंपल स्पेस में घटना की संख्या क्या गो है, छो गो है। यही आंसर हो गया इसका। इसमें देखो 25 में है पी ए बराबर 2/5, पी बी बराबर 3/5, पी ए यूनियन बी बराबर 3/4, देन पी ए बटे बी, पी बी बटे ए, यही ज्ञात करना है। ये चीज पी ए इंटरसेक्शन बी बटे बी, पी ए बटे बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बी। देखो जो नीचे में रहेगा उसी से भाग भी लगता है उसकी प्रायिकता से, तो बटे क्या होगा पी बी। तो आपके पास पी बी है, देखो पी बी का मान है ना, आपको चाहिए क्या ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान होता तो बैठा देते हैं, आपका मान निकल जाता, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का तो मान है नहीं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लिखेगा पी इंटर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है बोलो तो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। बोलो पी ए का मान कितना है 2/5, पी बी का मान है 3/5, यूनियन का मान है 3/4। सब कैल्सियम निकालो, कितना हो गया 20, 8, 12, 15। तो देखो 12 8 20 में से 15 गया 5, ये आपका 20 हो गया, 5 6 20, 1/4 क्या हो गया 4। इसके इंटरसेक्शन का मान क्या आया 1/4, रख दो यहाँ पर 1/4। पी बी का मान क्या निकला है 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 गुना क्या हो जाएगा 3, 5/12 आंसर होगा। उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला हम लिख देते हैं पी बी बटे ए, ये आपका होगा पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, एक ही चीज होता है अलग अलग। तो लैग्रांजे मीन वैल्यू आपको फाइंड करना है, हम क्या करते हैं कि इसका क्रिया कर लेते हैं। तो बारी बारी से आप क्या करोगे, गुणा करके, गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद मान जो है एफ एक्स का मान कितना आया है, कितना आ गया ना। आने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो गया पावर गुणा हो जाता है पावर में से, तो छोदोनी क्या हो गया 12x। अब देखो 11x है ना, x का डिफरेंशिएट एक हो गया तो क्या बचा 11, 6 का 0 हो जाता है। एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, इसलिए यह जो होगा क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, संतत्य होगा, और उसके बाद ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होगा, क्या होगा अवकलनीय। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है संतत्य, डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है अवकलनीय, इसमें अवकलनीय होगा। इसलिए आपको एक मान सी प्राप्त होगा, इसलिए आपको क्या मान प्राप्त होगा, सी प्राप्त होगा, जो किसके बीच में होगा बोलो, 0 और 4 न होगा। लिखो यहाँ पर कुछ भाषाई चीज लिखो, लिखो तेज़ से बोलिए ना। इसका अर्थ क्या हो गया, ये 0 और 4 के, 0 और 4 के बीच में आएगा,
आपको होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए बटर क्या होता है बी माइनस ए, बटर क्या होता है बी माइनस ए। अब देखो एफ डैश सी, एफ डैश सी इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ पर एफ डैश एक्स निकला ना, एक्स है तब ना यहाँ पर एक्स है, ये एफ डैश क्या है एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है एक्स है, यहाँ पर सी रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा सी, तो बोलो थ्री सी स्क्वायर बारह सी प्लस क्या हो गया ग्यारह, ये किसका मान हुआ एफ डैश सी का, समझ गया ना। अब एफ बी का मान कैसे निकालेगा, एफ बी का मान, बी का मान पुट कर, तो देखो बी ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, समझ गया ना। तो बोलो यहाँ पर हम मान फाइंड करते हैं एफ बी मतलब एफ फोर, तो यहाँ पर फोर रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे फोर, तो यहाँ पर चार रखेंगे तो चार में से एक जाएगा क्या होगा वहां पर क्या होगा दो, छो निकल आया, उसके बाद एफ ए, एफ ए तो बोलो एफ ए का मान ए क्या है जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या रखोगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस क्या हो गया सिक्स हो गया ना, क्योंकि तीन को माइनस में गुना है इसलिए ये क्या होगा माइनस सिक्स। अब देखो सिक्स अब माइनस क्या हो गया सिक्स, अब बटर अब देखो बी, बी का मान क्या हो गया चार, ए का मान जीरो, ये बारह बटे क्या हो गया चार, चार तिया तीन हो गया ना। उसके बाद देखो थ्री सी स्क्वायर माइनस बारह सी प्लस ग्यारह, ये जो प्लस तीन है इधर आ गया क्या हो गया माइनस तीन बराबर क्या हो गया जीरो। अब देखो थ्री सी स्क्वायर माइनस बारह सी जीरो हो गया ना। अब क्या करोगे इसका गुणनखंड निकाल दो, नहीं तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला जो होता है वो पुट कर दो, सी बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, तो माइनस बी माइनस बी, तो बी का मान क्या है माइनस बारह है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस बारह प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, तो क्या होगा बराबर चौवालीस से एक सौ चौवालीस हो गया माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी। ए का मान कितना है तीन, टू ए हो गया ना, ए का मान क्या हो गया तीन, अब देखो एक सौ चौवालीस चार तिया बारह बारह थे छियानवे, ये सिक्स हो गया कितना छियानवे घटा तो क्या बचा अड़तालीस, सिक्स हो गया। अब देखो ये बारह प्लस माइनस अड़तालीस को हम क्या लिख सकते हैं चार रूट ओवर थ्री, क्यों चार चौके सोलह अड़तालीस। अब आप यहाँ पर देखिए सी का दो गो मान प्राप्त हो रहा है, काट भी दो, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दो कॉमन ले सकते हैं, गुछा के थ्री हो गया ना,
एक सी का मान क्या प्राप्त होगा, सिक्स माइनस टू रूट ओवर थ्री बटे थ्री, और एक मान आपका प्राप्त होगा सिक्स प्लस टू रूट ओवर थ्री बटे क्या हो गया थ्री। अब देखो एक मान जो होता है जैसे माइनस वाला है ना है, इनका मान देखो टू और रूट ओवर थ्री का मतलब क्या होता है 1.73 n होता है बटे क्या हो गया थ्री। इनका जो मान निकल के आएगा ये आएगा आपको 0.8453। अब देखो इसका मान ये सिक्स प्लस टू रूट ओवर थ्री हो गया ना बटे थ्री, इसका मान जो आपको निकल के आएगा 3.1547। अब देखो तो ये दोनों आपको क्या हो गया तो मान के चलो कि जैसे दो का मान निकला तो दोनों कर रहा है तो और बढ़िया, अगर एक को मान करता ना समझ गया जी, तो मान के चलो जो मान बिलोंग करता उसको लेते हैं, अगर मान के चलो कि ये मान चार से बढ़ जाता है इनको छोड़ देते तो ये मान किसमें बिलोंग कर रहा है बोलो, जीरो फोर में। देखो वन प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर, ये डी एक्स है इंटेग्रल ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसलिए 27 नंबर होगा। 27 में डिफरेंशिएशन है तो बता चुके हैं समझ गया। अब देखो ये वन प्लस एक्स है ना, वन प्लस एक्स कर दो वन यहाँ पर देखो क्या किया जोड़े है, अब क्या करोगे वन को घटाओगे तो फर्क पड़ेगा। अब बारी बारी से देखो ये तो जोड़ देंगे घटा देंगे, अब इसमें भाग दीजिए वन प्लस एक्स में वन प्लस एक्स के होल स्क्वायर से खत्म हो गया। हो गया ना। अब देखो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x f x प्लस f डैश x x ये डी x, इनका मान होता है e टू दी पावर f x प्लस क्या होता है c होता है, इसमें एक चीज छूट गया है e टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब देखो ये आपका क्या हो गया एफ एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया एफ एस एक्स हो गया, समझ गया ना जी। इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, प्लस कर दिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे कर सकते हैं ना, इसको एफ एक्स माना जाए तो ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, निकालो ना इसका एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशिएट इतना ही आएगा मान ये हो गया जी। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स का मान क्या है वन बाय वन प्लस एक्स प्लस क्या हो गया सी। उन्तीस नंबर का सवाल देखो अपर लिमिट पाई बाय टू लोअर लिमिट जीरो रूट ओवर कोट एक्स बटे रूट ओवर
कोट एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स, ये डी एक्स है, इनको क्या मान लो आई, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब देखो आई ये पाई बाय टू जीरो, अब देखो यहां पर कोट पाई बाय टू माइनस क्या करेगा एक्स बटा ये कोट ये पाई बाय टू और माइनस क्या करेगा एक्स प्लस रूट टेन ये पाई बाय टू माइनस क्या करोगे एक्स। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, बराबर क्या होता है टेन थीटा। अब देखो ये क्या होगा इसका मान, इसका मान क्या होगा टेन थीटा टेन एक्स, इसका क्या होगा कोट एक्स, इसको दो मान लो वन प्लस क्या हो गया टू, ये टू आई हो गया ना। अब देखो पाई बाय टू जीरो रूट ओवर कोट एक्स रूट ओवर कोट एक्स रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स, ये रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर क्या हो गया कोट एक्स डीएक्स पाई बाय टू जीरो हो गया। अब देखो इनका एलसीएम निकाल लो, रूट ओवर क्या होगा कोट एक्स प्लस रूट ओवर क्या होगा टेन एक्स, इनके लिए ट्रिक हम एक लिखाए थे, क्या लिखाए थे बोलो इसके लिए, इसी के लिए कोई ठीक नहीं काट दीजिए बोलो इसके लिए क्या क्या लिखाए नहीं थे भूल गया। प्रिंस कहाँ चला गया नहीं क्लास रेगुलर हो गया। क्या निकल के आया पाई बाय फोर, देखो ये ऐसा क्यों हो गया क्योंकि होता है ना पाई बाय टू ये एफ एक्स। ट्रिक क्या लिखाए थे नहीं बताए थे कि मान लिमिट जो रहा था वो जीरो रे समझ गया ना, या रूट ओवर साइन एक्स अब बटे क्या रे साइन कोस में रे या कोट टेन के फॉर्मूला में रे समझ गया ना, या सेक कोसेक के रूप में रे जिनका मान पाई बाय फोर होता है ना होता है। एक चीज और ना होता है देखो ये है ना इनको हम क्या लिखेंगे बराबर ये पाई बाय टू क्या हो गया जीरो, ये पाई बाय टू माइनस क्या लिखा जाता है प्रॉपर्टी है ना प्रॉपर्टी।